पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में छात्र संगठनों की तरफ से यूनिवर्सिटी में कश्मीर की आजादी को समर्थित पोस्टर लगाने पर विवाद गरमा गया है। इसके चलते छात्र संगठनों में तनाव का माहौल बन गया है। एबीवीपी का कहना है कि वो भारत विरोधी पोस्टर लगाने वालों का डटकर विरोध करेंगे। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में लगे ये पोस्टर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। कश्मीर की आजादी का समर्थन करते इन पोस्टरों को लेकर छात्र संगठनों में तनाव का माहौल है। दरअसल इन पोस्टरों को लगाने के आरोप पंजाब स्टूडेंट यूनियन और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन के छात्रों पर हैं। और जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को इसका पता चला तो वो पोस्टर उतारने के लिए पहुंच गए, जिस पर दोनों छात्र संगठनों के दरमियान तनाव का माहौल बन गया। ਸਾਨੂੰ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਿਸ਼ਦ। वहीं इसकी शिकायत पुलिस के पास पहुंची है और पुलिस का दावा है कि वो इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रहे हैं। अभी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ वहां पे किसी स्टूडेंट्स ने पोस्टर लगाए हैं जो जम्मू कश्मीर के विद्यार्थी हैं, उनके रिगार्डिंग जो उनके फेवर में कोई आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हमने SHO की जो डायरेक्शन दी है, DSP City 2 को भी डायरेक्शन दी है कि सारे मामले की पूरी बारीकी से छानबीन करें। JNU विवाद के बाद पंजाबी यूनिवर्सिटी में उठी ये पोस्टर वार कई सवाल खड़े कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, Zee मीडिया, पटियाला।